हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपके साथ कुछ अपने प्लांट की अपडेट देने वाली हूँ। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कौन से प्लांट की अपडेट देने वाली हूँ। तो वो है अडेनियम का प्लांट, जो मैंने मल्टीपल ग्राफ्टिंग की थी उसी की अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो किसी ने बोला था मुझे परसों की वीडियो में कि मैंने उसकी अपडेट नहीं दिखाई है, तो चलिए मैं आपको अपडेट भी दिखा दूंगी और साथ के साथ अपने गार्डन के कुछ फ्लावर्स भी दिखा दूंगी। तो यहाँ पर देखिए फ्लावर बहुत अच्छे खिल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा सुंदर बंचेस भी इनमें फूल आ रहे हैं। इनकी मैंने रिपोर्टिंग भी दोबारा से की है अभी कुछ प्लांट्स की। तो ये देखिए फूलों से भरे हुए प्लांट हैं। आज मेरे हिबिस्कस में बहुत सुंदर फूल आए हुए हैं, देख सकते हैं कितना प्यारा सा फूल है इसका। और यहाँ पर ये सारे मेरे मल्टीपल ग्राफ्टिंग ही है, सारे प्लांट मल्टीपल ग्राफ्टिंग है। देखिए आज इस प्लांट में मैंने पानी नहीं दिया और अब धूप बहुत तेज़ हो गई, तो मैं सोच रही हूँ शाम को पानी दूंगी, लेकिन तब तक मैं लगता सारी पत्तियाँ पीली करके ख़त्म कर लेगा। और कुछ पत्तियाँ पीली हो रही थी क्योंकि धूप हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है। इधर देखिए इसमें भी रेड वाले फूल आए हुए हैं, ये सारे मैरून हैं। इनकी मैंने रिपोर्टिंग की है और साथ में बहुत टाइम से खिल रहे थे, तो थोड़े से फूल इनके पहले से मुरझाने से लगे हैं। अभी भी नए फूल खिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही रिपोर्टिंग का शौक थोड़ा सा ख़त्म होगा तो इनमें दोबारा से फिर कलियाँ बनेंगी और फिर से फ्लावर आएंगे और ज़्यादा। और इधर देखिए तो हमारे सारे ग्राफ्टेड प्लांट हैं। तो मैं आपको मल्टीपल के बारे में बता दूं, ये देखिए मेरी सारी फरवरी की मल्टीपल ग्राफ्टिंग है। जितने भी प्लांट आप देख रहे हैं सब मैंने फरवरी में लास्ट, मतलब अभी के जो फरवरी का मंथ था उस टाइम पे मैंने मल्टीपल ग्राफ्टिंग की। पहले मेरे प्लांट सारे देसी थे, अभी देखिए सारे मेरे ग्राफ्टेड प्लांट बन चुके हैं, क्योंकि इनमें सब में मैंने मल्टीपल ब्रांच में, कम से कम इसमें तो 15 से 16 ब्रांच इसमें होंगी इस प्लांट में। नीचे से इसका कोडेक्स देखिए, मैंने इसकी रेडियल रूट तैयार की थी इन दोनों प्लांट की। इसका तो कोडेक्स पूरे टाइम सिकुड़ा ही रह गया है ठीक से, अभी तक ये ठीक नहीं हो पाया है। रीज़न यही हुआ, तो शुरू में ही इसका कोडेक्स थोड़ा सा सिकुड़ गया था, तब से ये अभी तक इसका बीच में थोड़ा फूल गया था, लेकिन अभी फिर पानी की कमी हो गई थोड़ी सी, तो फिर से इसके सॉफ्ट हो गए हैं। इधर भी देखिए एक और सुंदर सा फ्लावर है जो मेरे गार्डन में न्यू खिला हुआ है, काफ़ी बिग साइज के इसके फूल आती हैं। देखिए अभी पूरा खिला नहीं है और इसके अभी मैंने एक ही प्लांट ग्राफ्ट नहीं किए हैं, आने वाले टाइम में करूँगी। अभी ये ब्रांच बहुत ही नाजुक है, नहीं तो अभी मैं एक आध ब्रांच को कट करके कर भी लेती। तो पहले ये प्लांट इतना ज़्यादा देखने में सुंदर भी नहीं लग रहा था कि मैंने ग्राफ्टिंग करूँ, और ब्रांच भी इसकी बहुत नाजुक सी थी, मतलब नई नई ब्रांच निकली थी, तो मैं कट करना मैंने सही नहीं समझा। और सही है, अभी कट करने से प्लांट भी ख़राब हो जा रहा है। मेरा भी एक प्लांट ख़राब हो गया जिसकी ब्रांच मैंने कट करके ब्रांच ग्राफ्ट तो कर ली, उसके प्लांट भी कई सारे तैयार करे, लेकिन मदर प्लांट पूरा ख़राब हो गया है। उसको को बचाने की कोशिश करूँगी अभी मैं। इधर भी देखिए ये सारी फरवरी और कुछ सितंबर की, ये सितंबर में मैंने मल्टीपल ग्राफ्टिंग की थी इस प्लांट में। और ये देखिए येलो में, इसमें मैंने इसमें तो मल्टीपल नहीं की थी, शायद ये सिंगल ही की थी। अब इसमें इतनी ब्रांच हो गई प्रूनिंग करने से, ये देखिए। और ये भी है, इसमें देखिए मल्टीपल ब्रांच पे ग्राफ्टिंग की थी, ये भी मैंने अभी फरवरी में ही की थी। और देखिए कितना सुंदर इसका फूल आया हुआ है, पूरा बंचेस में खिला हुआ है इसका फूल। और चलिए मैं अभी आपको वो वाला प्लांट दिखा देती हूँ जो मैंने अभी की है। अभी देखिए इस प्लांट पे मैंने मल्टीपल ग्राफ्टिंग की है, नर्सरी से एक प्लांट लेकर के आई थी और उसको मैंने तुरंत ही कट करके दूसरे दिन ही ग्राफ्ट कर लिया था। और इसका मदर प्लांट ज़्यादा मतलब अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा, लेकिन जो मैंने ग्राफ्ट किए हैं वो काफ़ी अच्छे से, देखिए मल्टीपल 1 2 3 4 5 ब्रांच पे मैंने ग्राफ्ट किए थे, ये कितना सुंदर लग रहा है। इधर देखिए इस पे मैंने मल्टीपल ग्राफ्टिंग की थी, ये रेड वाला है, ढेर सारी ब्रांच इसमें निकल करके आई हैं। तो ये देखिए कि इसमें मैंने 5 ब्रांच पे ग्राफ्ट किया था 1 महीने पहले, जिसकी ग्राफ्टिंग सक्सेस हो गई है और मैंने इसको रिपोर्ट भी किया है, बिना रूट बॉल को डिस्टर्ब किए ही किया है। और ये देखिए जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ अपलोड की थी, तो वो ये वाली है, इसकी ग्राफ्टिंग आज मुझे खोलनी है। और देख सकते हैं सभी में नॉड जो आई फुट आए हैं वो दिखने लगे हैं और काफ़ी अच्छे से ये ग्रो हो चुका है। सारी ब्रांच मेरी सक्सेस हो गई, एक ब्रांच शायद मेरे पास ब्रांच ख़त्म हो गई थी या फिर पता नहीं क्या रीज़न था, तो ये ब्रांच मेरी रह गई, मैंने इस पर ग्राफ्ट नहीं किया था। बाकी सारी लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ब्रांच पे मैंने ग्राफ्टिंग की थी, 10 की 10 सक्सेस हो गई हैं। कभी कभी क्या होता है जब हम मल्टीपल ग्राफ्टिंग करते हैं ना, तो उसमें से कुछ ब्रांच ख़राब हो जाती है, तो फिर हमें दिक्कत होती है, क्योंकि एक बार में अगर सारी ब्रांच सक्सेस हो जाती हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है, नहीं दोबारा फिर उसको या तो करना पड़ता है या तो फिर वेट करना पड़ता है, मतलब 1 महीने का फिर से। और एक प्लांट आपको और दिखा दूँ, इस पर भी मैंने किया है, इसमें भी आई नोड अब दिखने लगे हैं, ये देखिए यहाँ से छोटे छोटे से, पता नहीं क्लियर दिखा पा रही कि नहीं मैं, ये देखिए उससे थोड़ा कम है, लेकिन इसमें भी आई फुटाव दिखने लगे हैं, ये देखिए।
तो मैं सोच रही हूँ इसकी भी मैं ग्राफ्टिंग अब एक दो दिन में इसकी निकल आएगी तब पूरी खोल दूंगी। एक प्लांट मैंने ये ग्राफ्ट किया है, इसमें भी 10-12 ब्रांच मैंने ग्राफ्ट करी है और काफ़ी अच्छा हो गया। इसकी मैंने गलती क्या की थी, 4 ब्रांच मैंने छोड़ दी थी और शायद वही रीज़न रहा होगा कि मेरी ब्रांच जो ग्राफ्टिंग वाला पार्ट है वो ख़त्म हो गया रहा होगा उसी वजह से। तो मुझे दूसरे दिन कर देना था लेकिन फिर मैंने नहीं किया, मैंने रात में ग्राफ्टिंग की थी। तो अभी मैंने 4 ब्रांच पे फिर से ग्राफ्टिंग की है तो उसके लिए मैं इसका वेट कर रही हूँ ताकि मैं इसको इन ये भी सक्सेस हो जाए, उसके बाद इसको धूप में शिफ्ट करूँ फिर। तो ये 4 ब्रांचेस अभी सक्सेस नहीं हुई हैं, बाकी इसकी सारी ब्रांच बहुत अच्छे सक्सेस हो गई हैं। देखिए 2 ब्रांच इस साइड पर हैं और पूरा अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा पता नहीं क्यों। तो ये देखिए ये भी मल्टीपल ग्राफ्टिंग है जो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो चुका है और इसको अब धूप में शिफ्ट करना है मुझे। जैसे ही वाली ब्रांच सक्सेस होती है मेरी तो मैं उनको धूप में शिफ्ट कर दूंगी। तो ये मेरी मल्टीपल ब्रांचिंग की अपडेट है जो मैंने की है और इसको तो धूप भी लगती रहती है फिर भी ये सारी ब्रांच मेरी सक्सेस हो गई हैं और काफ़ी अच्छे से हो गए। मैं मैच्योर प्लांट पे जब ग्राफ्टिंग करती हूँ ना तो प्लांट बहुत अच्छा निकल करके आता है। और आप भी जब करें तो कम से कम 1 साल 1.5 साल का प्लांट होना चाहिए ग्राफ्टिंग के लिए, अच्छी ग्राफ्टिंग के लिए। छोटे प्लांट में भी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं लेकिन उतना बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलता जितना अच्छा बड़े प्लांट पर ग्राफ्टिंग में मिलता है। मतलब बड़े प्लांट में ग्राफ्टिंग करने से ना प्लांट की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, उसका कोडेक्स अगर अच्छा हेल्दी रहता है तो कम से कम 1-2 साल का रहता है। तो और छोटा तो मतलब करने को तो 6 महीने में भी सक्सेस हो जाती है लेकिन प्लांट बहुत धीरे धीरे बहुत स्लो ग्रोथ करता है फिर। तो बस आज के लिए इतना ही, ये थी हमारी ग्राफ्टिंग अपडेट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।